स्टूडेंट्स आइए, अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू चैप्टर थ्री के एक्सरसाइज 3.1 में। यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है कि कोच एक क्रिकेट टीम का 3 बैट्स खरीदता है और 6 बॉल्स खरीदता है और उसे 3,900 रुपीस पेड करना पड़ता है। अगेन 1 बैट खरीदता है एंड 3 मोर बॉल्स खरीदता है तो उसको 1,300 पेड करना पड़ता है। इसे अलजेब्रा सिस्टम में और ग्राफ के सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी कंसीडर द कॉस्ट ऑफ 1 बैट। लेट कॉस्ट ऑफ 1 बैट बी रुपीज एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी रुपीज वाई। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन फर्स्ट केस में है 3 बैट प्लस 3 बॉल का कॉस्ट 3,900। अब केस सेकेंड है 1 बैट 3 मोर बॉल 1,300। अब हमें ग्राफ बनाने के लिए, अलजेब्रिक हो गया, अब ग्राफ बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो y को x के टर्म में कन्वर्ट करके दो हम टेबल बनाएंगे। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में क्या आएगा, y इक्वल टू, देखिए 3,900 में ये माइनस हो जाएगा -3x और ये 3 डिवाइड हो जाएगा। फिर यहाँ से एक टेबल का निर्माण कर लेंगे। यहाँ पर हम x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, 2-3 वैल्यू ज़रूरत पड़ती है। अब x का वैल्यू अगर 0 रखते हैं तो ये आता है 1300, और x का वैल्यू ऐसा रखो जिससे कि 3 से कटने वाला नंबर आ जाए तो हम दूसरा वैल्यू रखते हैं 300, तो ये आ जाता है 3,000, 3×3 = 900, तो ये आ जाता है 3,000/3 = 1,000। और फिर हम अगर रखते हैं 300 के बदले 600, 700, ये 700 रख देते हैं तो क्या आता है, ये 2,100 और फिर 3,900 और 600 और इस तरह से हमारा 2,100 वंस अगेन रिपीट इट 2,100, 9 में 1 8 और 3 में 2 1 और 3 से डिवाइड किया तो 600। इस तरह से हमारा एक टेबुलर फॉर्म में आ गया इक्वेशन 1 का। और फिर इक्वेशन 2 का, इक्वेशन 2 का देखते हैं। हालांकि हम कंडीशन जान ही रहे हैं, कंडीशन में क्या है कि देखिए इसके जो कोफिशियंट है और इसके जो कोफिशियंट है 3/1, 3/1, 3/3 ये 1 और ये इस तरह से कुछ ना कुछ ये है कि हमारे पास में जो कंडीशन आ रहा है उसको देखते हैं। फिर सेकेंड वन है कितना, ये x लिया और ये y लिया, हमने क्या रखा यहाँ पे y इज इक्वल टू 1,300 माइनस x बाय 3, 1,300 माइनस x बाय 3। अब यहाँ रखते हैं, यहाँ अगर हम 100 रखें 100 तो ये 400 आएगा, यहाँ अगर 300 400 रखें तो यहाँ आएगा 400 900/3 300 आएगा,
यहाँ 700 रखें तो 700 1300 में से 700 600 200 आएगा। अब इस तरह से हमारे पास में दो टेबलर फॉर्म है। अब इसे हम पॉइंट्स के रूप में रिप्रेजेंट करें कि ए पॉइंट हो गया हमारा 0 1300, फिर बी आ गया 300 1000, इसको प्लॉट करना है। सी आ गया 700 और 600, फिर यहाँ पे ए डैश लेते हैं, ए डैश 100 400, बी डैश लेते हैं 400 300 एंड सी डैश लेते हैं 700 200। और इस तरह से अब हम कार्टेशियन प्लेन को ड्रॉ करते हैं ग्राफ के लिए, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। जो फाइनल टच है इसको ग्राफ में कन्वर्ट करना है ना, तो ग्राफ में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग सबसे पहले ये एक्स एक्सिस एक्स और एक्स डैश, और फिर इसी तरह से कोई भी वैल्यू माइनस में नहीं है तो माइनस थोड़ा कम भी लिया जाए तो कोई बात नहीं है, पर जो भी लेंगे इक्वल डिस्टेंस में लेंगे। ये ओरिजिन है, ये y डैश, ये y है। अब इस तरह से हमारा क्या है, इक्वल डिस्टेंस पर, एकदम बिल्कुल इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं। ये इक्वल डिस्टेंस देख करके यहाँ लिखते हैं स्केल, स्केल वन यूनिट देख रहे हैं, जो वन यूनिट ले रहे हैं इक्वल टू हम ले लेते हैं 100 रुपीज, ओके रुपीज 100 एक्स एक्सिस पर, एक्स एक्सिस पर, और वन यूनिट इक्वल टू रुपीज 100 ही वाई एक्सिस पर, फिर इक्वल डिस्टेंस पर ये 100 हो गया, ये 200, ये 300, ये 400, 500, 600, इक्वल डिस्टेंस 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, इस तरह से। फिर यहाँ भी इक्वल डिस्टेंस पर लेते हैं हम लोग वाई एक्सिस पर, ये 100, ये 200, ये 300, ये 400, 500, 600, 700, 800, देखते हैं y का कहाँ तक है, y का तो 1300 तक है, 900, 1000, 1100, इसको थोड़ा सा बढ़ाना पड़ेगा, 1200, 1300। अब ज़रा देखिए हमारे पास में जो भी डाटा है, ए के लिए कहाँ आएगा, ए के लिए ये एक्स जीरो और ये यहाँ ए हमने लिख दिया 013, फिर 300 1000, यानी 300 1000, 1000 देखते हैं कहाँ है, ये रहा 3100। ज़रा इसको कर लेते हैं सब सीधे में इस तरह से, ये हो गया बी, बी का 300 1000, फिर देखिए सी का 700 600, ये रहा ये 700 और 600, 700 एक्स पर, 700 एक्स का वैल्यू है
600, इसको मिला देते हैं क्योंकि इसको मिलाने से ही समझ में आएगा, अदरवाइज ग्राफ तो क्लियर ही नहीं हो पाएगा। ये रहा, ठीक है। फिर देखते हैं दूसरा है 100 400 100 400, ये रहा, ये 100 400, एक्चुअल में जो है ना आएगा तो यही, ठीक है, और ये आएगा 1300, इसी से आएगा, ठीक है, ये इस तरह से आएगा, ठीक है। और देखिए यहाँ 100 400 400 300 400 और 300, देखिए भाई 400 300, ये बी डैश, ये ए डैश, ए डैश है, ए डैश 100 400 100 400, ये क्या आया, ये 400 300, और फिर 700 200 700 200, 700 का 200 आएगा, और इस तरह से मान लीजिए कि सेकंड है 1300, तो 0, एंड दैट मीन्स अगर हम यहाँ पे क्या है 1300 लें तो 0 आएगा, एक और अगर हम डाल दें यहाँ 1300, ये अगर एक्स ले लें 1300 तो ये 0 आ जाएगा, ओके, तो एक्स 1300 और वाई 0, ओके, सो दैट मीन्स कि 1300 और 0 ये आएगा, ये आ गया 700 और 200, ये इस तरह से हमारा जो ग्राफ आ रहा है ना वो इस तरह से देखिए, ठीक है, और इस तरह से हमारा एक आ गया, फर्स्ट जो है वो क्या है, फर्स्ट है इक्वेशन 3x plus 3y equal to 3900, और सेकेंड वाला जो है ना वो सेकेंड वाला ये क्रॉस करेगा इससे, ये इक्वेशन आ गया x plus 3y equal to 1300। स्टूडेंट्स जैसा कि देख रहे हो एक्सरसाइज 3.1 का लास्ट क्वेश्चन नंबर 3 है, कह रहा है कि द कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल्स एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वॉज फाउंड टू बी ₹160, यानी 2 kg एप्पल और 1 kg ग्रेप्स लेता है 160 रुपीज़ का, अगेन 400 kg एप्पल्स और 200 kg ग्रेप्स लेता है उसको 300 पड़ता है। अब इस सिचुएशन को फर्स्ट ऑफ ऑल अलजेब्रिकली अगेन उसको ग्राफ में सेट करना है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन। लेट फर्स्ट ऑफ ऑल एप्पल है तो 1 kg एप्पल कॉस्ट, 1 kg एप्पल कॉस्ट भी मान लेते हैं एक्स रुपीज़ में, एंड 1 kg ग्रेप्स कॉस्ट भी रुपीज़ वाई। अलजेब्रिकली इक्वेशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो तैयार होता है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, कंडीशन 1, 2 कंडीशन है, फर्स्ट कंडीशन में लेता है 2 kg एप्पल 2x एंड 1 kg ग्रेप्स वाई, जिसके कीमत पड़ते हैं 160। एंड कंडीशन 2, कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन सेकेंड में 4 kg एप्पल दैट मीन्स 4x एंड 2 kg ग्रेप्स 2y इज इक्वल टू ₹300,
हमारे पास दो इक्वेशन है, दो इक्वेशन के लिए दो टेबलर हो टेबल फॉर्म में उनके वैल्यूज़ निकालेंगे, वैल्यू टेबल फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हमारे पास में आएगा y इक्वल टू 160 माइनस 2x। सो हमारे पास जो टेबल फॉर्म होगा, कम से कम तीन वैल्यू का टेबल लेंगे, हमारे पास ये x है, ये y है। अगर हम x लेते हैं 50 तो y आता है 60, x लेते हैं 60 तो 62 जा 100, ये 40, और x लेते हैं अगर 40, 42 जा 80 तो ये आता है 80। अब फ्रॉम इक्वेशन सेकंड, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हमारे पास सेकंड इक्वेशन जो आता है वो आता है 4x प्लस 2y का सम 300 है, सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 2y 300 माइनस 4x और y इक्वल्स टू 2 से डिवाइड करेंगे 150 माइनस 2x। ओके, सो नाउ वी हैव द टेबल, वी हैव द टेबल, वी हैव द टेबल फॉलोइंग टेबल वैल्यू टेबल एंड x अगर 50 रखते हैं, 50 तो ये 50, अगर ये 60 रखते हैं तो 62 जा 120 30, और अगर ये 70 रखते हैं तो ये 10 आता है। अब हमारे पास में ग्राफ ड्रॉ करना है तो अलजेब्रिकली हमारे पास में ग्राफ ड्रॉ करना है विथ ए स्केल, तो स्केल को हम यहाँ, ये 0 है, इंटरसेक्शन ऑफ द टू परपेंडिकुलर लाइंस एक्स एक्स डैश वाई वाई डैश एंड यहाँ पे 10 10 का स्केल लेते हैं, प्रॉपर स्केल 10, ये 10, ये 20 30 40 50 60 70 80, एक्स का वैल्यू देख लेते हैं कहाँ तक आया है, 40 70 तक आया है, और y का वैल्यू कहाँ तक आया है, y का वैल्यू 80 तक लास्ट। तो यहाँ से लेते हैं इक्वल डिस्टेंस पर 10 20 30 40 50 60 70 80 90, y का मैक्सिमम ही है, y का मैक्सिमम 80 तक, 80 10 30 50 60 40 80 और x का 50 60 70 40 60 50। स्टार्ट करते हैं हम फर्स्ट इक्वेशन के स्ट्रेट लाइन ग्राफ के लिए, x 50 60 ये मान लीजिए कि ए पॉइंट लेते हैं जिसको लोकेट करना है, 50 60 फर्स्ट इक्वेशन के लिए, 60 बी, बी ले लिया 60 40 एंड सी ले लिया 40 80, या ले लिया ए डैश, ए डैश 50 50 बी डैश 60 30 सी डैश 70 10 और यह आया 50 60, ए 50 बी 60, ए 50, ये थोड़ा सा सीधा करके अप्रॉक्सी ले रहे हैं, ये ए हो गया 50 60, ए 50 60, अगेन बी 60 40, 60 40 ये रहा 60 40, बी 60 40, फिर 40 80, ये 40, ये 40 है और 80, ये रहा 80 और ये 40,
एससी 4080 ये सबको मिला देंगे, स्ट्रेट लाइन से मिलाएंगे। सबसे पहले तो इसको मिला देते हैं और इसको पीछे की तरफ एक्सटेंड कर देते हैं और यहाँ लिख देते हैं जिस इक्वेशन का आया, ये आया इक्वेशन फर्स्ट का। इक्वेशन फर्स्ट है 2x प्लस वाई, ये 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 160। चलिए ये फर्स्ट इक्वेशन का आ गया। सेकंड इक्वेशन में ए डैश 50 50 50 50, ये रहा 50 50, ये रहा ए डैश 50 50 50 50। ओके 60 30, हमारे पास 60 और ये 30, 60 30, ये बी डैश, ये 60 30, और फिर आ गया 70 10 70 10, ये सी डैश 70 10। अब इन तीनों को मिला देंगे, तीनों को मिलाएंगे स्ट्रेट लाइन पहले, तो अप्रॉक्स जो है वो पूरा स्ट्रेट तो नहीं आ रहा है, एक्सटेंड किया हमारे पास में ये भी एक्सटेंड किया, इस तरह से ये हमारा जो है ग्राफ ये थोड़ा सा टेढ़ा जैसा फील हो रहा है। हाँ ये हटा देते हैं, तो इस तरह से हमारा ये ग्राफ कंप्लीट हो गया, अप्रॉक्सीमेटली पैरेलल जा रहा है, विदाउट स्केल हमने ड्रॉ किया, तो हमें विथ स्केल ड्रॉ करना है। और इस तरह से हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ।